हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पोजिट नंबर इन जावा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जावा प्रोग्राम से हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि एक जो नंबर है वो कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने किया था, प्राइम नंबर का प्रोग्राम किया था, हम लोगों ने चेक किया था कि एक नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। तो ये जो प्रोग्राम होगा 90% सेम वैसा ही प्राइम नंबर का जैसा ही होगा, लेकिन इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। द कॉम्पोजिट नंबर आर द पॉजिटिव इंटीजर व्हिच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा जिसमें जिसका फैक्टर दो से ज्यादा होगा, मतलब उसका फैक्टर दो से ज्यादा है। तो प्राइम नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था कि फैक्टर क्या होगा, प्राइम नंबर का दो ही होगा, दो से ज्यादा भी नहीं होने चाहिएगा, कम भी नहीं होने चाहिएगा। लेकिन कॉम्पोजिट नंबर में ऐसा नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर में जो उसका फैक्टर है क्या होगा, दो से ज्यादा होगा। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा, मान लीजिए कॉम्पोजिट नंबर हो गया 4। 4 को हम लोग बोल सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि 4 का जो फैक्टर्स है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलने सकेंगे कि 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो वैसे ही अगर हम लोग 6 पकड़ते हैं तो 6 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 6 का जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों केसेस में क्या है, इसका जो फैक्टर है दो से ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये जो दोनों है 4 और 6 दोनों क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। लेकिन लास्ट हम लोगों ने प्राइम नंबर में सीखा था, जो प्राइम नंबर होता है उसका फैक्टर दो ही होता है, तो मतलब 2 इज ए प्राइम नंबर जिसका फैक्टर क्या होता है, 1 और 2। तो ये 2 हो गया एक प्राइम नंबर। तो वैसे ही 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 3 होगा। तो एक 3 भी क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। तो वैसे 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 5 होगा। तो ये सब क्या हो जाता है, एक प्राइम नंबर हो जाता है। लेकिन यहाँ में जो 4 और 6 है, ये दोनों को हम लोग बोलने सकेंगे कि ये दोनों क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो चलिए इसको लिख देते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर, तो ये दोनों को हम लोग बोलने सकेंगे कॉम्पोजिट नंबर। ऐसा कोई भी नंबर जिसमें जिसका फैक्टर दो से ज्यादा होता है, 2 से ज्यादा है, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। लेकिन जिसका फैक्टर 2 है, मतलब दो से ओनली 2 है, दो ही फैक्टर है, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। तो ये सब हो जाता है प्राइम नंबर। और एक नंबर होता है 1। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर, मतलब 1 का जो फैक्टर है वो क्या होता है, 1 ही होता है, 1 का फैक्टर एक ही है जो कि 1 है। तो प्राइम नंबर का कंडीशन क्या है, इसमें फैक्टर 2 होना पड़ेगा। कॉम्पोजिट नंबर का कंडीशन क्या है, इसमें फैक्टर 2 से ज्यादा होना पड़ेगा, लेकिन 1 का फैक्टर क्या है, 1 ही है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर का प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, मेरा प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर का मैंने 3 प्रोग्राम दिखाया है। फर्स्ट वाला मैंने दिखाया कि प्राइम नंबर चेक करने के लिए कि एक नंबर प्राइम है कि नहीं, सेकंड वाला है कि रेंज का बिटवीन, मतलब कितना प्राइम नंबर है, और थर्ड वाला मैंने दिखाया रेंज का बिटवीन में जो जो प्राइम नंबर है वो प्रिंट करना है। तो चलिए आज का जो वीडियो है कॉम्पोजिट नंबर का, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ब्लूजे ओपन कर लेंगे। तो ब्लूजे में मैंने पहले से एक जो क्लास है वो बना के रखा है कॉम्पोजिट चेक नाम का, तो इसका अंडर में हम लोग जो प्रोग्राम है प्रोग्राम करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को एक इंपोर्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने यूटिल लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। तो यूटिल लाइब्रेरी का एक जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी हम लोग यहाँ बना लेंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने का जो प्रोसेस है, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, आप इसको
प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो बनाया हुआ है, मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है हमें इन नाम का, तो ये ऑब्जेक्ट बेसिकली बनाया हुआ है फॉर इनपुट, मतलब इनपुट करने के लिए, वैल्यू एक्सेप्ट करवाने के लिए। तो यहाँ में मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। मान लीजिए नाम मेरा एक वेरिएबल हो गया, और एक वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ काउंट। तो अभी तक मैं इतना ही वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, और मैं यहाँ में एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि एंटर ए नंबर। तो मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट लिख दिया है एंटर ए नंबर, और मुझे यहाँ में क्या करना है, नंबर एक्सेप्ट करवाने के लिए मुझे एक स्टेटमेंट लिखना है। तो मैं नंबर जो एक्सेप्ट करवाऊंगा वो नाम का अंदर में मुझे वैल्यू को एक्सेप्ट करवाना है। तो नाम इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट आईएनटी। सो ये मेरा स्टेटमेंट हो गया। तो ये स्टेटमेंट से क्या होगा, वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये मेरा वैल्यू एक्सेप्ट हो गया, मुझे नंबर मिल गया, जिस नंबर को मुझे चेक करना है कि वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है। तो अभी मुझे क्या करना है, एक फॉर लूप लिखना है। तो फॉर लूप में मुझे इसका अंदर में मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। तो अब देख सकते हैं मैंने फॉर लूप लिख लिया है। तो ये फॉर लूप मुझे बेसिकली मुझे लिखना है कि फैक्टर्स के लिए, जो फैक्टर होगा नंबर का, वो उसके लिए मुझे फॉर लूप लिखना है। तो फॉर लूप का मैंने स्टार्ट किया है वन से लेके नंबर इटसेल्फ तक। आप देख सकते हैं यहाँ में जो मेरा नंबर था, मेरा जो वेरिएबल था, वो वेरिएबल नाम था, जिसके अंदर में मुझे कॉम्पोजिट नंबर, जिस नंबर को चेक करना है कोई कॉम्पोजिट है कि नहीं, वो नंबर को यहाँ में पुट करना है। तो उसी नंबर तक ही क्या होगा, इसका फैक्टर जाएगा। मतलब कोई भी नंबर का फैक्टर आप चेक कर सकते हैं, हमें देख सकते हैं कोई भी नंबर का फैक्टर क्या होता है, वन से स्टार्ट होकर नंबर इटसेल्फ में खत्म होता है। आप फोर का पकड़ लीजिए, वन से स्टार्ट होकर फोर में खत्म हो गया, सिक्स का वन से स्टार्ट होकर सिक्स में खत्म हो गया। तो वैसे ही टू का भी वन से लेके टू तक, थ्री का वन से लेके थ्री तक, फाइव का वन से लेके फाइव तक। मतलब कोई भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो वन होता है, और लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है, नंबर इटसेल्फ होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ में क्या लिखा है, जो स्मॉलेस्ट नंबर मैंने दिया है वो वन दिया है, और जो मैक्सिमम लिमिट मैंने दिया है वो नंबर इटसेल्फ मतलब नाम दिया है। तो अभी यहाँ में मुझे चेक करना है इफ नाम मॉडुलस आई इक्वल इक्वल जीरो। तो अगर ऐसा है, नाम को अगर आई से डिवाइड करने का बाद रिमाइंडर अगर जीरो निकलता है, तब क्या होगा, यहां में लिखना पड़ेगा काउंट प्लस प्लस, और यहां में जो काउंट का वैल्यू है, काउंट का वैल्यू को जीरो से इनिशियलाइज करना है। तो ये मेरा कंडीशन है, जो कि मैंने प्राइम नंबर में भी सेम कंडीशन मैंने लिखा था। इफ नाम मॉडुलस आई इक्वल इक्वल जीरो, मतलब नाम को आई से डिवाइड करने का बाद अगर रिमाइंडर जीरो निकलता है तो काउंट प्लस प्लस होगा। तो इतना तक ही है ये फॉर का स्टेटमेंट। उसके बाद यहां में मुझे चेक करना है इफ काउंट ग्रेटर देन टू, काउंट अगर टू से बड़ा होता है तो ऐसा केस में क्या होगा, ऐसा किस में ऐसा हो जाएगा कुछ, नम प्लस इस कॉम्पोजिट नंबर। तो नम प्लस इस कॉम्पोजिट नंबर ऐसा हो जाएगा, और अगर ये नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, एल्स में चला जाएगा। So, num plus is not a composite number, not a composite number. तो ये मेरा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम लगभग हो चुका है। तो चलिए अभी इसको रन करके देखते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो इसको कंपाइल कर लेंगे, कंपाइल करने का बाद अभी प्रोग्राम को क्या करना है, रन करना है। तो राइट क्लिक करके void main जो मेथड है, इसको मेथड को कॉल करना है। तो एंटर ए नंबर। तो मेरा जो कॉम्पोजिट नंबर था क्या क्या था, फोर था, सिक्स था। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि फोर कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं। तो फोर लिख देंगे, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फोर लिखा है। एंटर करने से आप देख सकते हैं फोर इज ए कॉम्पोजिट नंबर। सो वैसे ही अगर सिक्स को चेक करना है
मैं 6 लिख देता हूँ, एंटर। 6 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो वैसे अगर मुझे कोई प्राइम नंबर लिखना है, मान लीजिए 3, अगर मैं 3 लिख देता हूँ तो क्या आएगा वो भी मुझे चेक करना है। सपोज तो 3 लिख देता हूँ, 3 इज नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर। सो ऐसा करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि एक जो नंबर है वो कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है। तो इसका लॉजिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो लॉजिक है, लॉजिक लगभग प्राइम नंबर जो है प्राइम नंबर का जैसा ही है, लेकिन कुछ पोर्शन यहाँ में ऐसा है जो जहाँ में थोड़ा बहुत चेंजेस करना है। तो आप देख सकते हैं हमें जो 1 है, आई का फर्स्ट वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो 1 को नाम से डिवाइड करना पड़ेगा, नाम कोई भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए हम लोग 4 पकड़ के चलते कि एन का जो नाम का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम लोग 4 पकड़ के चलते कि 4 है नाम का वैल्यू। तो 4 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 होगा, काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसका बाद फिर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस होके 2 हो जाएगा। नाम को 2 से डिवाइड करना है, फिर रिमाइंडर 0 आएगा, तो फिर काउंट का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा ना, आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, 4 को 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो काउंट प्लस प्लस नहीं होगा। फिर आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करने से क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो काउंट का वैल्यू फिर से 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमें 1 + 1 + 1 टोटल क्या हो जाता है, 3, जो कि 2 से ज्यादा है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। मतलब कोई भी नंबर जो काउंट है, काउंट का वैल्यू अगर 2 से बड़ा होता है तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर डिस्प्ले आएगा। या तो अगर नहीं होता है, मतलब 2 से बड़ा नहीं होता है, इन दैट केस इट विल डिस्प्ले नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर। तो ऐसा करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो एक नंबर है, ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है। तो आज की इस प्रोग्राम में, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो और कॉम्पोजिट नंबर समझ में आया हो तो ये वीडियो में एक लाइक जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।